Yes, good afternoon to all of you. Today we are continuing with the discussion of chapter number 13, sound. And in this very chapter, we are heading towards the end of the chapter. Today we will see the topic that is 13.6, and the name of the topic is audible and inaudible sounds. Before this topic, we have discussed what is the meaning of sound and how the sound propagate from one point to another, how the sound travel in how the sound is heard by the human beings, and why the two sounds are different from each other. These types of topics we have discussed in the chapter. Audible inaudible sounds क्या होते हैं? बहुत ही easy है, जैसे इसका name लिखा हुआ है बच्चों, वैसे ही इसको याद भी easily हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सही बच्चों को easily याद हो जाएगा. ऑडिबल साउंड्स वो होती है बच्चों जो हमको सुनाई देती है, और इनऑडिबल साउंड्स वो होती है जो हमें सुनाई नहीं देती. द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी, ऐसी साउंड जो हम सुनाई दे सकते हैं ना, जो जैसे मैं कुछ कह रहा हूं तो आप इजीली सुन पा रहे हैं ना, आप कुछ कह रहे हो तो मैं इजीली सुन पा रहा हूं. तो ये साउंड जिसको हम सुन पा रहे हैं, जो ह्यूमन बींग जिनको सुन पा रहे हैं, दो साउंड्स आर नोन एज ऑडिबल साउंड. और जिनको ह्यूमन बींग्स नहीं सुन पाते हैं उनको हम क्या बोल देंगे? इनऑडिबल साउंड. इजी है ना? अब इसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है ना, इसकी एक पर्टिकुलर रेंज होती है. क्या रेंज होती है बेटा? ऑल ऑफ यू लिसन. जैसे कि ह्यूमन बींग्स की रेंज होती है कि ह्यूमन बींग्स को 20 हर्ट्ज की साउंड वेव, 20 हर्ट्ज मिनिमम है ना, मिनिमम इतनी तो साउंड की, इतनी तो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी है तो हमें सुनाई नहीं देगी. और 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज है ना, 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज जो होती है वो ह्यूमन बींग्स की रेंज होती है सुनने की. 20 किलो हर्ट्स मतलब, अगर 20 किलो हर्ट्स को अगर मैं हर्ट्स में कन्वर्ट करूं ना, 20 किलो हर्ट्ज को अगर मैं हर्ट्ज में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी 20,000 हर्ट्ज है ना, इट विल बी 20,000 हर्ट्ज. तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे साउंड जिसकी जो रेंज है कहां से कहां तक हो, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो, उन्हीं साउंड्स को ह्यूमन बींग सुन पाते हैं. इससे अगर साउंड कम फ्रीक्वेंसी वाली है, सपोज 18 हर्ट्ज की कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो हम वो भी नहीं सुन पाएंगे. और अगर 21,000 फ्रीक्वेंसी की कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो भी साउंड हम नहीं सुन पाएंगे. जो साउंड 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की होती है, उन साउंड्स के लिए हम एक पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, है ना. कुछ बच्चों ने इसका नाम सुना भी होगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप ध्यान में रखेंगे. ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, बच्चों ना बहुत ध्यान से सुनेंगे, ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक. क्या वर्ड यूज करेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड. और ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम होती है, ऐसी साउंड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वी यूज द वर्ड इंफ्रासोनिक. क्या यूज करते हैं बच्चों? द वर्ड इज इंफ्रासोनिक. तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्योंकि हम इसको सुन सकते हैं इसलिए इसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज. क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ऑडिबल रेंज, मतलब हम इतनी रेंज में सुन सकते हैं, लेट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑडिबल रेंज. The frequency of sound below 20 hertz is infrasonic and above 20,000 hertz is ultrasonic. अब जैसे कुछ animals होते हैं जो ultrasonic sounds को सुन सकते हैं, जो infrasonic sounds को सुन सकते हैं, जैसे dolphins होते हैं, elephant होते हैं, dogs होते हैं ना, डॉल्फिन, एलिफेंट, डॉग्स, ये कुछ एनिमल्स होते हैं जो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड वेव्स को भी सुन सकते हैं और 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को भी सुन सकते हैं, उनमें सुनने की अच्छी कैपेसिटी होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप दिस टॉपिक इज वेरी सिंपल, है ना, जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे आप इजीली सब इसको समझ में भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों की. तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ यू सी. We know that we need a vibrating body to production of sound. Can we hear the sound of all vibrating bodies? क्या हम सभी vibrating bodies की sound को सुन सकते हैं? क्या हम सभी vibrating bodies की sound को सुन सकते हैं? ऐसा possible ही है ना? नहीं, ऐसा possible नहीं है.
The fact is that sound of frequency less than 20 vibrations per second, 20 hertz, cannot be detected by a human ear. Such sounds are called inaudible. On the higher side, sound of frequency higher than 20,000 vibrations per second, 20 kilohertz, are also not audible to the human ear. Thus, the human ear, the range of audible frequency is 20 hertz to 20,000 hertz. Some animals can hear sounds of frequency higher than 20,000 hertz. Dog have this ability. The police use high frequency whistles which dogs can hear but humans cannot. The ultrasound equipment familiar to us for investigating and tracking many medical problems works at frequency higher than 20,000 hertz. I hope this topic is clear. After this topic, one more topic is left in the chapter, that is noise and music. That is noise and music. Very easy topic है. ये भी बहुत easy सा topic है. आपको I hope easily समझ में आ जाएगा. जैसे समझाने की कोशिश करेंगे उस तरह समझ में आ जाएगा. Noise क्या होती है ना? जब अलग-अलग frequency के sound एक साथ आपको सुनाई दे, उसे हम क्या बोलते हैं? Noise बोलेंगे. जैसा कि आप लोग जब अपनी class में होते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स एक साथ जो है मैम से या सर से कुछ बात करना चाह रहे हैं तो सर क्या बोलते हैं मैम क्या बोलते हैं डोंट मेक नॉइज है ना स्टूडेंट्स काइंडली डोंट मेक नॉइज इन द क्लास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉइज द साउंड व्हिच इज वेरी अनप्लीजिंग टू द इयर्स है ना द साउंड व्हिच इज वेरी अनप्लीजिंग टू द इयर्स व्हिच इज नॉट लाइक बाय यू आल्सो है ना आप भी नॉइज को कोई भी नॉइज को नॉट ओनली मी नॉट ओनली यू कोई भी जो है नॉइज पसंद नहीं करता है क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है नॉइज की डेफिनेशन ये होती है कि द अनप्लीजेंट साउंड है ना द अनप्लीजेंट साउंड हेयर बाय द इयर्स जो हमें सुन पाते हैं और ऐसी अनप्लीजेंट साउंड जो हमें बिल्कुल पसंद ना हो जो हमें इरिटेट कर देती है ऐसी ही साउंड को हम क्या बोलते हैं नॉइज बोलते हैं और इसी के साथ में एक और वर्ड लिखा हुआ है म्यूजिक म्यूजिक आप सभी सुनना पसंद करते हैं म्यूजिक है ना आई होप सभी बच्चे जो है म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं मुझे म्यूजिक सुनना काफी अच्छा लगता है तो म्यूजिक वो साउंड है जिसको दैट क्रिएट्स अ I will say that creates a good pleasure at your ears, ना जो अच्छे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से बजाई जाए that is very pleasant to the ears, सुनने में बहुत अच्छा लगे जिसको वैसे जो साउंड है that is known as music, उसको हम क्या बोलेंगे म्यूजिक बोलते हैं ओके क्विकली टेक द रीडिंग ऑफ दिस टॉपिक वी हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग क्या साउंड हमेशा प्लीजिंग होती है नो Absolutely, कई बार साउंड ऐसी प्रोड्यूस होती है जो प्लीजिंग नहीं होती अब किसी आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो ना आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो या फिर किसी एक मार्केट में जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए और मार्केट में बहुत ज्यादा रश है दिवाली के टाइम पे आप केम रोड पे गए हुए शॉपिंग करने के लिए तो वहां पे कितना ज्यादा रश रहता है कितनी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है कितना ज्यादा नॉइस रहता है ना साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है लेकिन इज इट प्लेजेंट टू योर ईयर्स नो इट इज नॉट प्लेजेंट टू योर ईयर्स Does a sound sometimes cause discomfort to you? Definitely. Sound sometimes cause discomfort to us. Some sounds are pleasant to the ears, whereas some are not. जो जितने भी sound produce होती है, some are pleasant and some are not pleasant to the ears. Now, suppose construction work is going on in your neighborhood. Are the sound coming from the construction work site is pleasing? क्या साउंड जो कंस्ट्रक्शन वर्क से आती है वो क्या प्लीजेंट होती है नो दे आर नॉट प्लीजेंट एट ऑल है ना थोड़ा सा इरिटेट करती है ना डू यू एंजॉय द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स एंड बसेस एंड ट्रक्स नो डेफिनेटली वी डू नॉट एंजॉय दैट सच अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड एज नॉइज ऐसी ही अनप्लीजेंट साउंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों नॉइज बोलते हैं इन क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट स्पीक टूगेदर वट वुड द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड अगर आपकी क्लास में जितने ही बच्चे बैठे सभी के सभी एक साथ बोलना स्टार्ट कर दे सभी के सभी एक साथ क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दे सभी के सभी एक साथ आंसर देना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा वट द टीचर विल गिव द इंस्ट्रक्शन टू यू कीप क्वाइट क्लास डोंट मेक नॉइज है ना नॉइज क्रिएट मत कीजिए बहुत ही अनप्लीजेंट हो जाएगा On the other hand, you enjoy the sound from the musical instruments. Musical sound is one of which is pleasing to the ear. Na? Music sound wo hoti hai jo kafi pleasing hoti hai, acche sunai dene mein aapko kafi acha lagta hai.
Sound produced by harmonium is a musical sound. The string of sitar also gives out a musical sound. But if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? अगर बहुत ज्यादा loud है तो भी जो है it is not melodious, है ना, इसलिए हमेशा जो है musical sound भी अच्छी नहीं होती. अगर बहुत loud है तो it can create some pollution also. That's why it is very important to discuss a very important topic, that is noise pollution. नॉइस पोल्यूशन तो आप पता ही है कि जब हम ट्रैफिक वगैरह में जाते हैं या फिर बहुत ही जो है नॉइस पोल्यूशन बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो आप सभी फैमिलियर हैं, सबको ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉइस पोल्यूशन, है ना. यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन, है ना. प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन किसी भी टाइप का हो, अगर अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो वो हमेशा जो है किसी किसी टाइप का पोल्यूशन क्रिएट करेंगे. अगर वाटर पोल्यूशन है तो उसमें अनवांटेड जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे केमिकल्स के. सिमिलरली अगर एयर पोल्यूशन है तो अनवांटेड गैसेस प्रेजेंट होंगी. वैसे ही अगर नॉइस पोल्यूशन है तो अगर अनवांटेड नॉइस प्रेजेंट है आपके एटमोसफेयर में, वो आपके ईयर्स तक पहुंच रही है अनवांटेड नॉइस या फिर अनवांटेड साउंड पहुंच रही है, तो उसको उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉइस पोल्यूशन. Similarly, the presence of excessive or unwanted sound in the environment is called noise pollution. All of you underline this, these particular lines in your notebooks also. This is the definition of noise pollution. And presence of excessive or unwanted sounds in the environment is called noise pollution. You all have to underline this particular lines as the definition of noise pollution. Now, can you list some sources of noise pollution? Definitely, there are various sources of noise pollution. Traffic, factories, construction sites, है ना? और ऐसे भी कई सारे examples आपके भी ध्यान में होंगे जहां पे आप जाते हैं और बहुत सारी noise create होती है ना, जिसको आप बिल्कुल भी सुनना ज्यादा long time तक irritation करना start कर देगा, headache में भी started, है ना, lack in the concentration start हो जाएगा, है ना. ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है. यस, मेजर कॉजेस ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर साउंड ऑफ व्हीकल्स, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर्स एटसेट्रा. सो सम दीज आर सम सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन. व्हाट सोर्सेज इन द होम मे लीड टू नॉइस? टेलीविजन एंड ट्रांसिस्टर, रेडियोज एट हाई वॉल्यूम, सम किचन अप्लायंस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, ऑल कंट्रीब्यूट टू द नॉइस पोल्यूशन. तो ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स है जो हमारे घरों में अवेलेबल है, लाइक कूलर्स, टेलीविजन, रेडियो, है ना, मोबाइल्स, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर्स. दीज आर सम इक्विपमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन आर होम्स एंड दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द नॉइस पोल्यूशन. आफ्टर दिस वन मोर टॉपिक इज देयर, दैट इज What are the harms of noise pollution? क्या noise, जैसे air pollution से हमें कोई disease हो सकती है, जैसे water pollution से हमारी body में कोई ना कोई disease create हो सकती है, क्या उसी तरीके से क्या noise pollution से भी क्या कुछ problem हो सकती है, या फिर ऐसे ही है noise pollution से कोई problem नहीं होगी? Thinking about definitely बेटा, noise pollution can also create some problems in your body. What are the problems? Some health related problems are lack of sleep, है ना, lack of sleep, नींद नहीं आना टाइम से, है ना, noise pollution के कारण. Hypertension, tension ज्यादा हो जाना. High blood pressure का increase हो जाना. Anxiety, है ना, anxiety बार बार जो है headache आना किसी चीज का, या फिर किसी बारे में ज्यादा सोचना, गुस्सा आना बार बार. And many more health disorders may be caused by the noise pollution. एंग्जाइटी हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, नींद नहीं आना हो सकता है, लैक इन कंसंट्रेशन हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है. ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली किसी कारण होती है. अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक, ऐसा नहीं है कि आप आज ट्रैफिक में खड़े हुए थे और जब स्कूल से आ रहे थे ट्रैफिक में खड़े थे, बहुत सारे नॉइज आपने सुनी, नॉइज पोल्यूशन था और आज आपको एंग्जाइटी हो जाएगी या हाइपरटेंशन हो जाएगी, नहीं. अगर आप नॉइस के लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसके कांटेक्ट में रहेंगे, ट्रैफिक के या फिर नॉइस पोल्यूशन के लॉन्ग ड्यूरेशन तक कांटेक्ट में रहेंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, है ना. और क्या हो सकता है, क्या इससे हेयरिंग का इंपेयरमेंट हो सकता है, क्या इससे हमको सुनना बंद हो सकता है, क्या नॉइस पोल्यूशन के कारण आपकी सुनने की क्षमता कम हो सकती है या बंद हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बच्चों.
अगर हम बहुत ज्यादा लाउड नॉइस के लॉन्ग टाइम तक अगर कांटेक्ट में रहेंगे तो इट विल क्रिएट द इम्पेयरमेंट ऑफ द हियरिंग ऑल्सो, है ना। इवन द परमानेंट, आप हो सकता है थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी भी हो, लेकिन कई बार कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि परमानेंट जो है सुनना ही बंद हो गया है अगर नॉइस पॉल्यूशन कंटिन्यूसली हम उसके कॉन्टेक्ट में रहे तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ द नॉइस पॉल्यूशन इज वेरी हार्मफुल टू अस। अब किस तरह से हम नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं ना, आपने हमेशा ये पढ़ा होगा, अब तक आपने साइंस में एट तक आपने साइंस पढ़ी है तो आपने पोल्यूशन जरूर वर्ड सुना होगा ना। पोल्यूशन में आपने एयर पोल्यूशन जरूर पढ़ा होगा। तो एयर पोल्यूशन, पहले हम एयर पोल्यूशन पढ़ते हैं और उसके बाद उसके सोर्सेस को डिस्कस किया जाता है, फिर उसको कम कैसे किया जाता है उसको डिस्कस करते हैं। उसी तरह से पहले हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, देन वाटर पोल्यूशन के सोर्सेस क्या है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, फिर उसको कम कैसे किया जाएगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सेम इसी तरह से हम नॉइस पोल्यूशन पढ़ेंगे। पहले हम नॉइस पोल्यूशन पढ़ा, फिर उसके हमने सोर्सेस डिस्कस किए, और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि नॉइस पोल्यूशन को किस तरह से कम किया जा सकता है। बहुत ईजी है, जैसे एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए अलग अलग मेथड्स आप बता सकते हैं, उसी तरह से वाटर पोल्यूशन, वैसे ही नॉइस पोल्यूशन के भी कई ऐसे मेथड्स हैं जिसके द्वारा उनको कम किया जा सकता है। कौन कौन से मेथड्स? ऑल ऑफ यू सी, टू कंट्रोल द नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइज। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस, है ना, यस, साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। आपने देखा होगा जितने भी व्हीकल्स होते हैं सब में साइलेंसर्स जो होते हैं वो फिटेड होते हैं, है ना, चाहे वो बाइक हो या स्कूटर हो या कार हो, सभी के अंदर साइलेंसर्स प्रेजेंट होते हैं। साइलेंसर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो नॉइस इंजन से आ रही होती है उस इंजन के वॉइस को, नॉइस को कम करने के लिए वो इक्विपमेंट्स यूज किया जाते हैं, उनको हम साइलेंसर बोलते हैं। Now, how can the noise pollution be controlled in residential area? अगर किसी residential area में साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है? Now, जैसे कि आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इन व्यास कॉलोनी, और यू आर लिविंग इन एमपी कॉलोनी, और यू आर लिविंग इन खतुरिया कॉलोनी, है ना, वहां से जो नॉइज आसपास से आ रही है उसको कैसे कम किया जा सकता है? हाउ यू कैन कंट्रोल दैट नॉइज पॉल्यूशन? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, All noisy operation must be conducted away from any residential area. जितने भी noisy operation है जिसमें आपको स्पीकर की रिक्वायरमेंट पड़े, या फिर जैसे आजकल शादी में हमें जो डीजे वगैरह बजाते हैं ना, जो स्पीकर लाउड स्पीकर पे गाने बजाते हैं, उसको रेसिडेंशियल एरिया से थोड़ा दूर करना चाहिए। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम द सच एरिया। जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं जो नॉइस क्रिएट कर सकती है उनको रेसिडेंशियल एरिया के थोड़ा बाहर ही सेटअप किया जाए, वहीं पे बनाया जाए, उनको वहीं पे रखा जाए। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज। जब अगर हम किसी व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं तो बार बार हॉर्न वगैरह बजाने से, या फिर हॉर्न को बार बार जो है यूज करने से हमें अपने आप को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। वी शुड नॉट यूज द हॉर्न अगेन एंड अगेन। टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स, ना, जितने भी टीवी और म्यूजिक सिस्टम उसको लो लो नॉइस पे रन करना चाहिए। ट्री मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन द साउंड रीचिंग द रेसिडेंस। आपने देखा होगा जितनी भी रोड होती है, रोड के साइड में, रोड के बीच में एक डिवाइडर होता है ना, रोड के बीच में डिवाइडर होता है, उसमें कई सिटीज के अंदर जो गवर्नमेंट है वो ट्रीज को प्लांट करती है। वो ट्रीज जो है प्लांट ग्रीनरी तो कर ही रहे, ग्रीनरी के साथ साथ में वो जो आसपास के जो व्हीकल से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको मिनिमाइज करते हैं, उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं, जिससे नॉइस पोल्यूशन काफी कम हो सकता है ना। सो दीज आर द मेथड्स बाय विच वन कैन इजिली रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन डेट इज प्रोड्यूस्ड इन द रेसिडेंशियल एरियाज। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 13। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। द वे आई ट्राई टू एक्सप्लेन द चैप्टर इन द सेम सिमिलर वे ऑल्सो यू हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द चैप्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस।